प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ में सीएम योगी ने की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की घोषणा। सीएम योगी ने किया लोगों को संबोधित। सीएमएस के 23वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम का उद्देश्य शांति स्थापित करना। लखनऊ में शाइन सिटी पर 3 एजेंसियों ने किया कशा से शिकंजा। सालों से पैसों की आस में बैठे हैं लोग। लखनऊ में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज। विद्यावती वार्ड पहुंची प्राइम टीवी की टीम। बुलंदशहर में हाईवे पर हुई 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत। शिक्षक की हुई मौत। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की घोषणा की है और निवेशकों से नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की प्रगति का सहयात्री बनने को भी कहा। सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 5 साल में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साथ ही उन्होंने 10 लाख करोड़ का निवेश प्लान की भी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश एक प्रगतिशील और परिवर्तनकारी यात्रा के शिखर पर है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निर्धारित आत्मनिर्भर भारत के विजन का कायाकल्प का एक प्रमुख स्तंभ भी उत्तर प्रदेश है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिफॉर्म, परफॉर्म तथा ट्रांसफॉर्म के मंत्र को उत्तर प्रदेश ने अक्सर से लागू किया है। विगत 5.5 वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने आर्थिक विकास एवं समृद्धि की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश ने सक्षम नीतिगत समर्थन एवं विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने अपने करके प्रदेश के अंदर एक कारोबारी माहौल भी बनाने में सफलता प्राप्त की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। इसके लिए राज्य सरकार ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के आगामी 5 वर्ष के अपने कार्यक्रम को आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। देश में जनता की गाढ़ी कमाई को लूटकर भागने वाले शाइन सिटी के मालिक राशिद पर सर्वोच्च जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 60,000 करोड़ के घोटाले को लेकर एक तरफ नसीम बंधु को सबसे बड़ी ठगी करने का आरोपी माना गया, तो वहीं जांच एजेंसियों के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती होगी कि राशिद नसीम की वापसी भारत में कब तक होगी। मामले में पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता सत्येंद्र जैन श्रीवास्तव से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। आप भी सुनिए आखिर उन्होंने क्या कहा। एक इंच भी जमीन नहीं, लेकिन दो भाइयों ने हजारों करोड़ का घोटाला कर दिया। गिरफ्तारियां भी हुई। जी हाँ, आप सबने साइंस सिटी का नाम तो सुना ही होगा। हमारे साथ साइंस सिटी के जो उपभोक्ता थे, जो ठगे गए हैं, उनके वकील हैं सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव जी। ये काफ़ी अरसे से साइंस सिटी पर लगातार केसेस करते आ रहे हैं और इन्हें सफलता भी मिली है। इनसे ही ज़्यादा बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सर, ये बताइए किस तरह से अभी तक साइंस सिटी में अपडेशन चले, क्योंकि गिरफ्तारियां कई हुई हैं और कितनी रिकवरी हो चुकी है अब तक।
अब इसमें जो 17 तारीख और 4 तारीख को जो अपडेशन हुआ था 4 नवंबर को, उसमें कोर्ट ने 3 एजेंसियां इनपुट दे रही हैं, 3 एजेंसियां जांच कर रही हैं। इसमें ईओडब्ल्यू जांच कर रही है, प्रत्यर्पण निदेशालय जांच कर रही है और एसएफआईओ जांच कर रही है। तो तीनों एजेंसियों के जांच करने का दायरा अपनी जगह पर है। मतलब जैसे ईओडब्ल्यू अगर जांच कर रही है तो क्राइम से रिलेटेड मैटर्स जांच कर रही है, प्रवर्तन निदेशालय जो है फाइनेंस से रिलेटेड, और एसएफआईओ कंपनी से रिलेटेड मैटर्स का जांच कर रही है। काफ़ी हद तक सफलता मिली है। जो चीज़ें मार्केट में नहीं आ पाई हैं, जिस तरीके की लीड इनपुट हम लोगों की तरफ से दिए गए हैं, उन पर सभी एजेंसियाँ पूरी तरीके से लग करके उन्होंने हर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी डाटा है, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड डाटा है, वो काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें जो हैं रिकवर की हैं। और उनकी डिटेलिंग कल प्रस्तुत होने वाली थी, लेकिन कल सीजे साहब बैठे नहीं थे, इसलिए पार्टर्ड मैटर था, इसलिए अब सुनवाई 25 तारीख को होगी। उसमें सर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि राशिद नसीम की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि एक साल पहले तकरीबन ये ऑर्डर्स निकले थे कि उसकी गिरफ्तारी जल्द होगी, क्योंकि ये पता चला था, इनपुट ये भी आई थी कि वो दुबई में छुप बैठा है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या लगता है कि सर क्या गिरफ्तारी में कोई कोताही बरती जा रही है या फिर कुछ और रीज़न है? कुछ हद तक कोताही बरती गई है। कोताही इस सेंस में बरती गई है कि 2020 में प्रत्यर्पण से संबंधित डॉक्यूमेंट्स जारी हुए थे, उसमें इंटरपोल की नोटिसेज जारी हुई थी, डीजी परिक्षेत्र की तरफ से जो है इंटरपोल नोटिसेज, लुकआउट नोटिसेज, ये सब जारी हुए थे। लेकिन एक स्तर आ जाता है कि जब चिट्ठियां ऊपर से चलती हैं और नीचे आ जाती हैं, नीचे से जहां मार्किंग होती है तो नीचे स्तर के कई पुलिस अधिकारी जो हैं वो उसी उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। जैसे कुछ जो परिक्षेत्र SRS चौकी इंचार्ज रहे हैं, SRS चौकी इंचार्ज का चूंकि खुद का पैसा लगा था तो मैक्सिमम चिट्ठियाँ जो हैं वो सही उस पर पहुँच नहीं रही थी। तो यहाँ पर चीज़ें हुई कि मैनुपुलेशन और मैनेजिंग, ये दोनों ही स्तर पर ये चीज़ें चली हैं। राशिद नसीम की गिरफ्तारी सिर्फ एक मैनुपुलेशन और मैनेज करने के सेंस पर भी नहीं हो पा रही है। सर एक और सवाल ये था कि शैलेश मैत्रे हुआ करते थे DIG जेल, उनका भी कुछ इसमें रोल आ रहा था, उसके बाद ये केसेस से हटाए गए, इसके पीछे सर क्या रीज़न है? इस मामले में इनपुट ये है कि जेल में रहते हुए आसिफ नसीम ने श्याम लाल नाम के एक व्यक्ति को ऑथराइजेशन लेटर जारी किया, उसको ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया, और इनके जो कंपनी के वकील जिन्होंने कि ये डिक्लेयर किया उस लेटर में कि हम कंपनी के वकील हैं, मिस्टर अजय सिंह जो कि डोमिनेटर टीम के वाइस प्रेसिडेंट हैं, डिक्लेयर्ड वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक लेटर जारी करवा लिया। और लेटर जारी करवाने के बाद उस लेटर ऑथराइजेशन लेटर के जरिए कई रजिस्ट्रियाँ जो हैं साइन वैली पे कंसक्ट की। उसके संबंध में मेरे द्वारा जब ये डिटेलिंग माननीय जज साहब के सामने रखी गई तो इस पर एक विस्तृत इंक्वायरी मंगाई गई कि इसमें मंगाया गया कि जेल अथॉरिटी ये बताए कि जेल में रहते हुए आसिफ नसीम इस तरीके के लेटर्स कैसे जारी कर रहे हैं। इसकी जाँच आई शैलेश मैत्रे जी के पास, और जहाँ तक मेरे पास जो पेपर सोर्सेज और दूसरे सोर्सेज से जो इनपुट आया है उसमें कुछ मैनेजमेंट हुआ था। इसमें दो चीज़ें एलिगेशंस लगे थे कि एक तो आसिफ नसीम और 3 लोगों को एक साथ बैठा करके बयान लिए गए, बयान में मैनिपुलेशन हुआ और जेल अथॉरिटी का बयान नहीं लिया गया। इस पर कंप्लेन हुई, प्रमुख सचिव जेल के पास कंप्लेन जाती है और प्रमुख सचिव जेल ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए मैत्रे साहब को हटा करके AK सिंह जो बनारस परिक्षेत्र DIG जेल हैं उनको दे दिया गया है। अभी इंक्वायरी चल रही है, अभी 2 दिन पहले मेरी बात हुई है सिंह साहब से, तो उन्होंने भी कुछ इनपुट दिया है और इतना एश्योर किया है कि अब इस मामले में किसी भी तरीके का कोई मैनेजमेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर एक और खबर ये आ रही थी कि साइंस सिटी अभी कुछ वाराणसी और उसके आसपास के जिलों में फिर से एक्टिव हो गया है, सर ये क्या, इस खबर पे क्या सत्यता है? इस मामले में चीज़ें ऐसी हैं कि साइंस सिटी जिस तरीके की लैंड परचेज में इन्वॉल्व रही है उसमें 2 तरीके से लैंड परचेज हुई हैं। कुछ लैंड 2 कंपनी के नाम पर आई हैं, जैसे साइंस सिटी इंफ्रा या रियल्टर्स या प्रॉक्सिमा, इस तरीके से कंपनियों के नाम पे वो ज़मीनें चढ़ी हुई हैं। लेकिन साइंस सिटी की कुछ ज़मीनें ऐसी हैं, कुछ नहीं बहुत ही ज़्यादा ज़मीनें ऐसी हैं जो साइंस सिटी के लैंड मैनेजरों ने अपने नाम पे खरीद करके बाद में साइंस सिटी कंपनी की तरफ ट्रांसफ़र की है। अब वो जो ज़मीनें जो ट्रांसफ़र नहीं हो पाई हैं उन ज़मीनों को साइंस सिटी कंपनी राधा मनी और दूसरी कंपनियों के नाम पर उनके साथ टाई अप करके इसकी सेल परचेज कर रही है। कई जगह ये चीज़ पाया गया है कि एक ही घाटे में डबल सेल हो रही है, मतलब एक बार आप बेच चुके हैं और दोबारा फिर उन्हीं चीज़ों को दोबारा बेच कर रहे हैं। और इस पूरी सेल परचेज की प्रक्रिया में इन्हीं की टीम, मतलब जो साइंस सिटी में पहले काम कर रहे थे यही लोग लगे हुए हैं इसमें, राधा मनी और बनारस इंड के कई लोग हैं जिसमें ब्लॉक प्रमुख का नाम आता है, डिटेलिंग अभी करा रहे हैं।
तो ये सब लोग पहले से भी साइंस सिटी से जुड़े हुए हैं और दोबारा भी इसी तरीके की कार्रवाई करके निवेशकों को केवल ठगने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। टोटल फ्रॉड है इसमें, कहीं जमीन है भी नहीं। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यही लखनऊ भैरव कला जगह है, वहाँ पर एक गाटा है 10-12 नंबर का गाटा भैरव कला गाँव में। ये गाटा 2018 में रितेश दिवाकर को सेल होता है, 2019 में रितेश दिवाकर इसको उन लोगों को बेच करके गाटा खाली कर देते हैं। इसके बाद 2019 की लास्ट में जो है ये श्यामलाल जो है इसी गाटे को साइंस सिटी को बेच देते हैं, और 2020 में साइंस सिटी कंपनी ने इसमें 35 से 40 लोगों की रजिस्ट्री कर दी, और 2022 में मिस्टर श्यामलाल ने यही गाटा रितेश दिवाकर के नाम पे दाखिल खारिज करा दिया। यानी कि उन 35-40 लोगों को जिन्होंने रजिस्ट्री कराई कंपनी में, उनके पास नथिंग आज की डेट में। सर एक आखिरी सवाल ये था कि क्या लगता है कि राशिद नसीम की गिरफ्तारी में कितनी किस तरह से कोशिश की जा रही है? इस समय तो बहुत वार्ड स्केल पर कोशिश चल रही है, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो तीन एजेंसियां काम कर रही हैं, तीन एजेंसियों में जो SFIO और प्रवर्तन निदेशालय, ये मार्वलस जॉब, इनका काम बहुत मतलब हाई स्टेटस पे चल रहा है। तो EOW के काम में कहीं कहीं जगह उसमें उस स्टेज पे जो है कुछ IOs का जो है वर्क सही समझ में नहीं आ रहा, उसमें एक एक डिटेलिंग मैं जरूर करूँगा। कानपुर पोल स्टार पर एक डायरेक्टर और कॉन्ट्रैक्टर है मिस्टर सुभाष गुप्ता मेन कन्वीनर रहे कंपनी के वहाँ पर कानपुर की रीजन को देखते हुए, और जब इनको इंट्रोगेट किया जाएगा तो इस समय चूंकि तीन एजेंसियां इन्वॉल्व हैं तो तीनों एजेंसियों के साथ उसका कोऑर्डिनेशन होना मस्ट है। मतलब अगर आप उसको बुला करके इंट्रोगेट कर रहे हैं तो इन तीनों एजेंसियों को लीड दीजिए कि हाँ आप, हो सकता है आप फाइनेंस से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड कोई इनपुट लेना चाहें तो आप ले लीजिए, बट इनको बुलाया जाता है, काफ़ी पिलाई जाती है, उनको छोड़ दिया जाता है। तो EOW के सीन में तो कहीं ना कहीं नीचे के स्तर के जो विवेचक हैं वो रोल अपना सही से नहीं प्ले कर रहे हैं, बट ED और SFIO का रोल तो बहुत ही मार्वलस है। और लगभग जो चीजें, मतलब जितना मैं डाटा दे रहा हूं, जितना भी मैं इनपुट दे रहा हूं, उस सभी इनपुट को हर एंगल से एग्जामिन किया जा रहा है और जितना मैक्सिमम हो सकता है उतनी चीजें निकाली जा रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सत्येन्द्रनाथ श्रीवास्तव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो देश का सबसे बड़ा ठग है 60,000 करोड़ की संपत्ति या अवैध संपत्ति लेकर फरार है, उसके बावजूद भी इसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो रही, लेकिन हाँ कुछ जांच एजेंसियां हैं और उन्हें लगता है कि उसकी गिरफ्तारी बहुत जल्द ही संभव है। कैमरा नीरज के साथ सागर थापा। लखनऊ के इंदिरा नगर के गोलीकांड मामले में नॉर्थ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, तो वहीं पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि व्यापारी को रास्ते के विवाद में गोली मार दी गई थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त असलाह भी बरामद किया है। लगभग 12 बजे के आसपास इंदिरा नगर पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति है जिसको गोली मारी गई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है, पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम शाहिद है, उम्र लगभग 40 वर्ष है, जो थाना क्षेत्र गाजीपुर के रहने वाले हैं और जिनका फर्नीचर का काम है, इनको दो अज्ञात लोगों द्वारा इनको गोली मारी गई है, जो इनको तत्काल मेडिकल केयर के लिए इनको लोहिया में भेजा जाता है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद इनको KGMU ट्रॉमा रेफर कर दिया जाता है। राजधानी लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 23वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें 57 देशों के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति व कानूनविद शामिल हुए। प्राइम टीवी से बातचीत में CMS स्कूल के मुखिया जगदीश गांधी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व को एक पॉलिटिकल ऑर्डर, एक इकोनॉमिक ऑर्डर से चलाना है। विश्व भर के सभी बड़े देश अपने सीमा विस्तार के लिए संघर्षरत हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकार में है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व भर में युद्ध संघर्ष को समाप्त करके शांति व्यवस्था को कायम करना है। विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 23वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज राजधानी लखनऊ के CMS स्कूल में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के बारे में ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ CMS स्कूल के मुखिया जगदीश गांधी जी हैं। सर ये बताइए कि क्या उद्देश्य था इस सम्मेलन का? देखिए, इस सम्मेलन का उद्देश्य एक ही है कि विश्व में जो आज टेंशन चल रहे हैं सारे वर्ल्ड में, और जैसे रशिया की और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, इसमें 1 लाख से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं अब तक,
और अब ये लड़ाई बंद नहीं है, चली जा रही है और बढ़ती चली जा रही है। और इसी तरह से इसराइल और पैलेस्टाइन में संघर्ष बढ़ रहा है, आप देखें तो चाइना और ताइवान में संघर्ष बढ़ रहा है, इसके अलावा ईरान इराक में संघर्ष बढ़ रहा है, ईरान और अमेरिका का संघर्ष बढ़ता जा रहा है, और अमेरिका और साउथ नॉर्थ कोरिया का एक बहुत ही अधिक टेंशन बढ़ रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का टेंशन बढ़ता जा रहा है, इंडिया और चाइना का टेंशन बढ़ रहा है। तो आए दिन ये सारे विश्व में टेंशन्स बढ़ रहे हैं। इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में बच्चों का जो भविष्य है और आगे आने वाली पीढ़ियां जो जन्म लेंगी उनका भविष्य अंधकार में हो गया है, और इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई विश्व स्तर पर, और इसमें भारी तादाद में 57 देशों के करीब 250 चीफ जस्टिस और जजेस ने हिस्सा लिया, जिसमें कई देशों के राष्ट्रपति भी आए, मॉरिशस के राष्ट्रपति भी आए और कई देशों के आए, और प्राइम मिनिस्टर भी कई देशों के आए। तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है और इसका उद्देश्य एक ही है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 पर हम बात करते हैं, और उसी के आधार पर इस का जो प्रस्ताव हुआ है, जो डिक्लेरेशन है, उसमें तीन बातें हैं। एक तो ये कि वर्ल्ड की पार्लियामेंट बने, एक ही दूसरा ये कि वर्ल्ड की एक गवर्नमेंट बने, और तीसरा ये कि वर्ल्ड का कोर्ट ऑफ जस्टिस बने। तो तीन चीज़ों के बनने से ही इस समस्या का निदान निकलेगा, और कोई तरीका नहीं है निदान निकालने का। सर, जहाँ तक वैश्विक स्तर की बात है, हर देश सीमा विस्तार की नीति से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो ताइवान हो चाहे वो रूस हो, जिसकी वजह से ये युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और लाखों लोगों को अपना जान गंवानी पड़ती है। आप ये सम्मेलन कर रहे हैं, विश्व शांति की बात कर रहे हैं, विश्व शांति के लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी, लेकिन जब से उसकी स्थापना हुई है तब से उसकी कमेटी में कोई बदलाव भी नहीं हुआ है, वही 5 देश वीटो पावर लेके होल्ड कर रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। सर, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, यूनाइटेड नेशन इफेक्टिव होता तो वर्ल्ड पार्लियामेंट की ज़रूरत ही नहीं होती, फिर हमें कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस इफेक्टिव नहीं है, समस्याएं बढ़ रही हैं। अब ये रशिया की और यूक्रेन की समस्या है, यदि यूनाइटेड नेशन ताकतवर होता तो इस समस्या को समाप्त करा देता, लेकिन नहीं करा पा रहा है, तो इसलिए आज इसकी कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है, और इसीलिए इसकी वर्ल्ड की पार्लियामेंट की ज़रूरत है, वर्ल्ड कोर्ट ऑफ वर्ल्ड की गवर्नमेंट की ज़रूरत है, वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस की ज़रूरत है। सर, आज जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, उस घोषणा पत्र के बारे में कुछ बताइए। देखिए, घोषणा पत्र में तीन बातें मुख्य हैं, एक तो वर्ल्ड की पार्लियामेंट बने, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, दूसरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट बने, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, और तीसरा वर्ल्ड का कोर्ट ऑफ जस्टिस बने। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ सीएमएस स्कूल के मुखिया जगदीश गांधी जी, जहाँ सीएमएस स्कूल पे आज विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 23वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। आर्टिकल 51 के तहत ये सम्मेलन किया जा रहा था। हमसे बातचीत में इन्होंने बताया कि किस तरीके से वैश्विक स्तर पर सीमा विस्तार को लेकर युद्ध चल रहे हैं, लाखों लोगों का हानि हुआ है, जनहानि हुआ है, लाखों लोग मारे जा चुके हैं रशिया यूक्रेन के युद्ध में, चीन ताइवान का भी आगे का युद्ध दिख रहा है। ऐसे में विश्व को विश्व शांति की तरफ ले जाने के लिए एक कदम उठाना चाहिए, और यूनाइटेड नेशन पे भी उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वो इफेक्टिव होता तो इस तरह की चीज़ें विश्व भर में व्याप्त नहीं हो पाती। इन तरह की चीज़ों से विश्व भर का जो आने वाला भविष्य है वो पूरे विश्व का वो खतरे में है। कैमरामैन विजय के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। औरैया में देवर ने भाभी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी, जिसके बाद से आरोपी फरार हो गया था। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 5 टीमें गठित की थी, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को बिधुना कोतवाली से गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बिधुना थाना क्षेत्र के ग्राम पूर्वा पिताराम में देवर ने चाकू से गोद करके अपने भाभी की हत्या कर दी गई थी, जिसमें समुचित धारा में अभियोग पंजीकृत था।
पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना को शीघ्र अनावरण हेतु 5 टीमें गठित की गई थी। टीम के सदस्यों के द्वारा मुखबिर की सूचना पर रोरूगंज क्षेत्र में जनता इंटर कॉलेज के पीछे आरोपी को क्यों छिपने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें टीम मौके पर पहुंचकर आरोपी की गिरफ्तार की। आरोपी पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया गया है। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत बरामद किया गया है। घटना के समय जो शर्ट पहना था एवं लूदा हुई मिट्टी भी बरामद किया गया है। आरोपी के 24 घंटे के अंदर बरामद पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा को पुरस्कार के संबंध में घोषणा की गई है। आरोपी को माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। औरैया के लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे पर तेज रफ्तार मिनी बस के ड्राइवर को झपकी आने के चलते बस डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए, तो वहीं घायलों को कन्नौज के तिरवा मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पूरा मामला एरवा कटरा क्षेत्र की चौकी उमरैन का है। आज सुबह करीब 7:45 बजे एरवा कटरा थाना क्षेत्र के उमरैन के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक ट्रेवलर बस जो फिर कहाँ जा रही थी बस जो पानीपत से अयोध्या जा रही थी, जिस पर 17 लोग सवार थे, ड्राइवर को झपकी आने की वजह से असंतुलित होकर के डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। इस सूचना पर एरवा कटरा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर जरिए एम्बुलेंस घायलों को मेडिकल कॉलेज तिरवा रवाना किया। बुलंदशहर में आभूषण खरीदने पहुंची महिला ने चांदी की 4 चूड़ियों पर हाथ साफ कर लिया, तो वहीं दुकान में लगे सीसीटीवी में महिला के कारनामे की तस्वीर कैद हो गई। पूरा मामला सिकंदराबाद के जीटी रोड ओबीसी बैंक के पास स्थित ज्वेलरी शॉप का है। बुलंदशहर में NH-91 स्थित 2 बाइकों की हाईवे पर भिड़ंत हो गई, जिसमें शिक्षक की मौत हो गई और शिक्षक का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको हाई सेंटर रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला ककोड़ थाना क्षेत्र का है। ये थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में आज सुबह एक एक्सीडेंट की सूचना मिली थी, जिसमें पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर एक व्यक्ति जो एक्सपायर की उनके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मुकदमा पंजीकृत करते हुए इसमें विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।